आते हैं प्रोनाउन के टॉपिक पे आज। तो आई डू होप कि अब आप लोगों को आवाज बिल्कुल क्लियर होगी। चार इसमें आज हम पॉइंट्स देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, रूल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जी हम जो है इन सारी चीजों को देख रहे होंगे जी। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, देन रूल्स हैं करेक्शन के, और देन हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच विच फंक्शंस एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन। देखो इसका नाम है प्रोनाउन, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, प्रो इन प्लेस ऑफ, जो नाउन की प्लेस पर आया वो प्रोनाउन है, जो नाउन की प्लेस पर आया जी वो प्रोनाउन है। तो अ प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच फंक्शन एज रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन। तो इन प्लेस ऑफ प्रोनाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, तो जो नाउन की प्लेस पर आ गया। तो जो नाउन होता है ना, जिसकी जगह पर ये आता है उसको हम एंटीसीडेंट कह रहे होते हैं, जिसकी जगह पर आता है। जैसे मैं कहता हूं ना, असलम इज माई फ्रेंड, ही लिव्स नियर टू माई हाउस, तो ही प्रोनाउन है और असलम पर एंटीसीडेंट है। उस प्रोनाउन का असलम क्या बनेगा? एंटीसीडेंट। आई, मी, हु, देयर्स, दोज, माइन, ये सारे प्रोनाउन्स हैं जी। आई, मी, हु, देयर्स, दोज, माइन प्रोनाउन्स हैं। क्यों प्रोनाउन्स हैं? क्योंकि ये नाउन की प्लेस पर आ रहे हैं। तो आइए टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं, तो होगी डेफिनेशन। तो पर्सनल प्रोनाउन्स सबसे पहले, आई, माइन, दे, देम, आर्स, योर्स, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इनको हम पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाजमी तौर पर किसी ना किसी पर्सन को यूजली डिनोट कर रहे होते हैं। आइए इनका टेबल देखते हैं, इनका टेबल। टेबल को मजे की चीजें आएंगी टेबल में, क्या आपको मिल रहा है? देखो, आए, माइन, माय, मी, ये आपको पर्सनल प्रोनाउन जो है वो मिल रहे हैं। इस तरह वी, आर्स, आर, अस, यू, योर्स, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर्स, हर, हर, दे, देयर्स, देयर, देम, इट, इट्स, इट्स, इट, ये सारे प्रोनाउन है जी, ये सारे के सारे प्रोनाउन है। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। तो ये जो होते हैं ना, ये प्रोनाउन नहीं होते। इनको देखो मैं ऊपर क्या लिखा हुआ, ये एडजेक्टिव होते हैं, इनको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये तीन केस हैं, सब्जेक्टिव केस, अब गौर करें, आए, वी, यू, ही, शी, दे, इट, इनको सब्जेक्टिव केस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं। आई विल मीट यू, तो आई सब्जेक्ट की जगह पर है। आई विल मीट हिम, तो हिम आई सब्जेक्ट की जगह पर है, लेकिन हिम देखो ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो ऑब्जेक्टिव केस आपको नजर आ रहा है, तो दैट इज वाई हिम ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये आपको ऊपर लिखा नजर भी आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस। ये जो दरमियान में दोनों कॉलम है, इनको हम पोजेसिव केस कहते हैं। ये भी पोजेसिव केस, ये भी पोजेसिव केस, लेकिन ये पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है, ये पोजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है जी। आए, माइन, माए, मी में जो माए, आवर, योर, हिज, ये वाला सारा कॉलम है, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ये प्रोनाउन की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरते। मुझे बताइए, माय बुक के माइन बुक, बोलिए जरा शाबाश, माय कौन करें? माय बुक के माइन बुक, मैसेज भी कर सकते हैं। माय बुक के माइन बुक क्या लगाना चाहेंगे? स्टूडेंट्स क्या लगाना चाहेंगे? माय बुक के माइन बुक, माय बुक माइन बुक नहीं लगाया, क्योंकि माइन प्रोनाउन है। माय बुक, वेरी गुड। माइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि माइन प्रोनाउन है, और प्रोनाउन नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं, उसका बुक नाउन है, प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं, प्रोनाउन यूज होता है इन
प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन आपने खुद अभी बोला, प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस. जी स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि हमने माय बुक क्यों यूज करना है और माइन बुक क्यों यूज नहीं करना. स्क्रीन शेयरिंग दरमियान में ऑफ हुई थी, इट्स अगेन अप टू यू कि हमने माय बुक यूज करना है तो माय प्रोनाउन है, माइन प्रोनाउन है तो माय एडजेक्टिव है. चलो एक और लेते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आए. देयर हाउस के देयर्स हाउस क्या लगाएंगे? देयर हाउस और देयर्स हाउस? देयर हाउस. देयर हाउस. देयर हाउस. देयर हाउस. चले मारिया खान दोबारा सुने, मारिया ने कहा सर रिपीट कर दें कि ये वाला जो कॉलम है ना, माय आवर योर हिज हर देयर इट्स, ये वाला टेबल जो है, इस टेबल में आने वाले ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, प्रोनाउन नहीं है. ऑल्दो लिखते हैं हम इनको प्रोनाउन के टेबल में, हम कहते हैं आई माय मी, आई माय मी, भी वो माय प्रोनाउन है ही नहीं. आई प्रोनाउन है, मी प्रोनाउन है, क्योंकि वो नाउन की प्लेस पर है. लेकिन माय प्रोनाउन की प्लेस पर नहीं, वो तो प्रोनाउन के साथ है. माय बुक, माय हाउस, आवर बुक, आवर हाउस, योर बुक, योर हाउस, हिज बुक, हिज हाउस, हर बुक हर हाउस, देयर बुक देयर हाउस. आई थिंक आपको बात समझ आई होगी. लेकिन ये प्रोनाउन है क्यों? क्योंकि ये नाउन की प्लेस पर इस्तेमाल हो रहे हैं. कभी नहीं कहेंगे दिस इज आर्स हाउस, कहेंगे दिस इज आर हाउस, या तो कहेंगे दिस इज आर्स. नाउन के साथ नहीं जोड़ा ही नहीं, लेकिन आर हाउस कह सकते हैं. सर आपको मैसेज नहीं सेंड हो रहा. हाउ इज इट पॉसिबल? सर जी यही लिखा हुआ है, प्रोफेसर वान वेसल इज नॉट इन मीटिंग. I am in meeting. कौन बात कर रही है? नहीं सर, जवेरिया अहमद. जवेरिया अहमद, लेट मी चेक इट. आपको सर मेरा चेक नहीं हो रहा. आपको मेरा मैसेज आ गया? चलो मैं एवरीवन को सेंड कर रहा हूँ, उससे आपको आप रिप्लाई कर पाएंगे शायद मुझे. लें जी, एवरीवन जी आपका आ गया मैसेज. चले गुड हो गया, ठीक है. वो असल में कई बार सॉफ्टवेयर आ रहा है, मैंने हत्ता के परचेज किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार सॉफ्टवेयर भी इशू दे जाता है. तो आपने बताया तो अब आपका मसला हल हो गया होगा. जी नेक्स्ट मूव करते हैं. सर आपका मैसेज सेंड हो गया लेकिन मेरा नहीं हो रहा. ये तो फिर चले आप बोल, आप मुझे बोल के बता दें क्या कहना है. पूछे सर जी, ये जो जिनका कनेक्ट नहीं हो रहा वो एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करें फिर हो जाएगा. हाँ ऐसा हो जाता होता है कई बार ना, आप लोगों के एंड पर भी इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, दैट्स नॉट ओनली कि मेरी साइड पर ही. जी शाबा, जल्दी से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे आते हैं. ये गौर करें, पहले इनको एग्जांपल देखते हैं. माय सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, और इनके प्लूरल भी होती है, देम सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ. इनको रिफ्लेक्सिव क्यों कहते हैं? अच्छा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिफ्लेक्ट बैक होना. रिफ्लेक्ट बैक होता है जब कोई चीज जैसे रोशनी टकरा कर वापस जाती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. रोशनी जब टकरा कर वापस जाती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो उसको हम देन क्या कह रहे होते हैं, वो रिफ्लेक्ट हो गई. तो प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव है जब वो रिफ्लेक्ट बैक करता है. गौर करते हैं, लारा एक्सीडेंटली हिट हिमसेल्फ, लैरी, सॉरी लैरी ने हिट किसे किया है? हिट किया लैरी ने, पर हिट किया किसे? लैरी ने अपने आप को. तो लैरी एक्सीडेंटली हिट हिमसेल्फ, हिट भी लैरी ने किया और हिट भी बजाते खुद को ही कर लिया, तो ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो गया जी. ओके नेक्स्ट आते हैं, शी फेल्ट डाउन एंड इंजर्ड हरसेल्फ. शी फेल डाउन, शी ही गिरी है, शी ने ही इंजर किया, और किसको किया है? खुद को. गौर करें, एक्शन एक्शन करने वाले पर रिफ्लेक्ट बैक हो गया. जैसे रोशनी टकरा कर वापस हमारी तरफ आए तो हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्ट हुई है. तो एक्शन भी जब वापस रिटर्न होगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगा. आई डू होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी. ठीक हो गया जी?
नेक्स्ट आते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। अब इम्फेटिक प्रोनाउन भी सेम, आप कहेंगे सर ये तो क्या हो गया कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, उनकी प्लूरल भी होती है तीन की, देम सेल्फ, आर सेल्फ, और यू ज्यादा लोग हों तो योर सेल्फ। इनको इम्फेटिक कब कहते हैं? इम्फेट एम्फसिस होता है जोर देना। इनको इम्फेटिक तब कहते हैं जब सब्जेक्ट पर एक्शन रिफ्लेक्ट ना हो बल्कि सिर्फ और जुमले में ये वर्ड जोर देने के लिए इस्तेमाल हो, बजाते खुद का मीनिंग अक्सर। लैरी हिमसेल्फ हिट इन हिज हेड, देखो लैरी हिमसेल्फ हिट का मतलब लैरी ने बजाते खुद हिट किया। यहां जो हिमसेल्फ है वो रिफ्लेक्टिव है, नहीं है इम्फेटिक है, सिर्फ जोर डाल रहा है। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द टास्क, मैंने बजाते खुद किया, तो ये इम्फेटिक हो गया, अब ये रिफ्लेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन लेते हैं जी, जैसे आई माई सेल्फ वर्क हार्ड, तो आई माई सेल्फ वर्क हार्ड तो मैं बजाते खुद मेहनत करता हूं, या आई माई सेल्फ वर्क कहले, वेरी गुड फहीम, तो वहां माई सेल्फ इम्फेटिक कहलाएगा। लेकिन ही अब्यूज्ड हिमसेल्फ में जो अब्यूज हिमसेल्फ है वो रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ही ने गाली दी और खुद को ही दी है। यस फहीम, आपने जुमला बनाया आई माई सेल्फ वर्क, तो उसमें माई सेल्फ इम्फेटिक है, रिफ्लेक्टिव नहीं है। ले जी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बताए इधर हिमसेल्फ क्या है। ही हिमसेल्फ हैज डन दिस, पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है, इम्फेटिक है, प्रोनाउन कौन सा जी? इम्फेटिक प्रोनाउन, यस इट इज इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन। कैसे पता लगा इम्फेटिक है जी? क्योंकि इसने सिर्फ एम्फसिस किया है, इसने सिर्फ जोर दिया है, इसने एक्शन रिफ्लेक्ट बैक नहीं किया। जल्दी से आगे आते हैं, ही फेल डाउन एंड हर्ट हिमसेल्फ, तो ये वाजे के हर्ट भी ही ने किया, हर्ट भी ही हुआ है, तो ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। दैट्स रियली गुड स्टूडेंट्स। रिलेटिव प्रोनाउन पे आते हैं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं, पर इनकी शक्लें तो देख लें कि विच, हुज, हु, हुम, दैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इनको रिलेटिव कहते हैं क्योंकि ये रिलेट करते हैं, जिस नाउन के साथ लगे होते हैं उसके बाद आकर उसको रिलेट करते हैं। द पर्सन हु फूंड मी, तो हु रिलेटिव क्यों है? क्योंकि पर्सन को रिलेट कर रहा है, हु कौन है? हु पर्सन है, तो हु फूंड मी, जिसने मुझे कॉल किया। द कार विच हिट मी, विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विच रिलेट कर रहा है कार को, तो द कार विच हिट मी, तो विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि कार को रिप्लेस कर रहा है एक तरह से। तो विच हिट मी, विच क्या है? कार। हु फोन्ड मी, तो हु कौन है? पर्सन, तो हु भी प्रोनाउन है, विच भी प्रोनाउन है, क्योंकि वो नाउन्स की जगह पर आए, हु पर्सन की जगह पर, कार विच कार की जगह पर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये हु, विच, दैट, व्हाट, हुम। जी जी बोले सर, वो ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये क्या स्टार्ट नहीं आ सकते, जैसे हु कॉल्ड मी वाज माय ब्रदर, आ गया हु कॉल्ड मी वाज माय ब्रदर, नहीं सर, फिर ये कहेंगे द पर्सन हु, ये दरमियान में आना लाजमी स्टार्ट, ये लाजमी नाउन को रिलेट करेंगे आप, फिर कहेंगे द पर्सन हु कॉल्ड मी, द लेडी हु कॉल्ड मी, द बॉय हु कॉल्ड मी। अगर आप हु शुरू में लगा देंगे तो बेटा इंट्रोगेटिव हो जाएगा प्रोनाउन, गौर करें। ये अगली स्लाइड आपको नजर आ रही है, हु, विच, व्हाट और हुम, ये अगर जुमले के शुरू में आकर सवाल पूछ रहे हैं या जुमले में कहीं भी आकर सवाल पूछ रहे हैं तो ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। तो गौर करें, हु, who did tell you, whom did you tell, whom did you tell, तुमने किसे बताया, who took you to the hospital, तुम्हें hospital कौन लेके गया, तो ये हमारे relative pronoun। अच्छा जी, the student who got first position में जो who है, yes very good for him, the student who got first position में who, आपका relative pronoun है, relate कर रहा है student को, लेकिन हु गॉट फर्स्ट पोजीशन अकेला आ जाता, हु गॉट फर्स्ट पोजीशन, किसने ली पहली फर्स्ट पोजीशन, तब हु सवाल पूछ रहा है तो हु को हम इंटरोगेटिव कहेंगे। अच्छा जी, मारिया खान ने पूछा है कि सर हु, विच और दैट का डिफरेंस बता दें। अब विच और दैट का डिफरेंस दो लेवल्स पर हम करेंगे डिस्कस,
इसी स्लाइड में ही आएगा, आगे प्रोनाउन के अंदर ही आएगा जी, कि बेसिकली नॉन लिविंग के लिए या स्मॉल एनिमल के लिए हम विच यूज करते हैं, और दैट हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ह्यूमन सबके लिए। और एक इसका रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास का भी फर्क है, वो भी पढ़ेंगे, तो वो जरा स्लाइड में आगे जब आएंगे तो एंड पर आपको वो जरा आपको कॉम्प्लेक्स रूल है तो जरा प्रोनाउन को पूरी तरह समझ लेते हैं, फिर आपको हु और विच सॉरी दैट और विच का जो रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का फर्क है वो भी समझाएंगे। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास, ही इज द बॉय हु हैज डन दिस। तो हु क्या है, रिलेटिव के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव रिलेटिव इट्स गुड। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, वेरी गुड वेरी गुड जी। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पे आते हैं जी, ये जो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ये डेमोंस्ट्रेट करता है, डेमोंस्ट्रेट आपको होता है डेमो देना, क्या जी आप डेमो देंगे आपको, तो ये शो करवाता है, डेमो होता है कुछ ना कुछ एग्जिबिट करना, शो करना, तो ये अक्सर पॉइंट आउट करता है। दिस मैं जैसे कहता हूँ, दिस गिव्स एयर, दैट गिव्स कूलिंग, दोज वर्क हार्ड, दीज आर रियली यूजफुल, सच वर माई एम्स। तो ये गौर करो, सच वर माई बुक्स, तो ये लाजमी तौर पर रिलेट कर रहे होते हैं, दैट इज व्हेन हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस इज योर वॉच, दिस इज योर पेन, तो देखो मैं इशारा कर रहा हूं, दीज वर ब्यूटी, दोज वर ब्यूटीफुल डेज, तो दोज मैं इशारा कर रहा हूं। नेक्स्ट मूव करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है ना, इसके बारे में याद रखिएगा, हम इसको इंडेफिनेट कहते हैं इसलिए कि ये कोई मखसूस नहीं, गैर मखसूस नहीं। क्या बाकियों का आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। तो बच्चे यस सर आ रही है। हाँ, जिसको नहीं आ रही जहर उसकी तरफ कोई नेट का इशू होगा, तो मैंने यही कहा कि रिसीविंग एंड पर भी नेट के इशू होते हैं कई बार आप लोगों के एंड पर, क्योंकि ये क्या नाम लेते हैं, बिजी आवर चल रहे होते हैं नेट के। An indefinite pronoun does not refer to any specific person or thing, बल्कि ये non-specific। मैं कहता हूँ ना everyone, तो मैंने किसी खास का जिक्र नहीं किया, सारे लोग, someone, each, every, none has come, तो मैंने किसी खास का जिक्र नहीं किया, मैंने सबका ही कर दिया। तो ये indefinite होता है, ये general discussion करता है, neither, either, both, all, तो ये सारे indefinite pronoun है। Everyone in the room is sleepy. Each of the boys has come to attend the class. तो देखो मैंने each of the boy किसी खास लड़के की तो बात ही नहीं की। तो excuse me sir, जी जी, जो आपने लिखा हुआ it is vague or not definite, ये क्या है? Vague का मतलब होता है unclear. Vague का मतलब होता है कि unclear, हमें बंदे का पता नहीं लगता कि किसके बारे में बात की है, general बात हो रही होती है। जैसे मैं कहता हूँ everyone should come, जब मैं एवरीवन कहता हूं तो क्या मैं किसी खास शख्स की बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं जी नन शुड कम, मैं कह रहा हूं नीदर हैज डन हिज वर्क, तो मैं किसी मखसूस एक पॉइंटेड बंदे की बात नहीं कर रहा हूं। बात पहले पड़ गई होगी। नेक्स्ट मूव कर रहा हूं जी, रूल्स पर हम लैंड कर रहे हैं, प्रोनाउन के रूल्स। तो रूल नंबर वन, pronouns must agree with their antecedent both in number, singular, plural and person, first, second, third. क्या कह रहा है वो? कि अगर एक pronoun लगाया है ना, वो लाजमी तौर पर अपने antecedent से agree करेगा। He है ना he, तो he should do his work ही आना चाहिए। He should do one's work नहीं आएगा। तो one है तो one should do one's work। कभी नहीं कह रहा one should do his work। One should do वंस वर्क, हर एक को अपना अपना काम करना है। शी शुड डू हर वर्क, दे शुड डू देयर वर्क, एवरीवन इज रेडी टू डू हिज और हर। अब एवरीवन से पता नहीं था लड़का है लड़की है, तो अब हिज या हर में से जो मर्जी यूज कर दें, लड़कियां हैं तो हर, लड़के हैं तो हिज। इफ समवन वांट्स टू प्ले गेम्स, इफ समवन वांट्स टू प्ले गेम्स, ही शी मस्ट फॉलो द रूल्स। तो समवन को आपने रिप्लेस कर दिया ही या शी से, अब समवन भी तो हमें पता नहीं लड़का है या लड़की है, तो आप कभी भी, अच्छा इसमें जो सबसे ज्यादा करेक्शन आती है वो इस रूल की आ रही होती है, आज तक पेपर में एग्जिस्ट होती देखी है, मुख्तलिफ लेवल के जो टेस्ट होते हैं, कि वन शुड डू हिज वर्क लिखा होता है, तो वन शुड डू हिज वर्क नहीं, वन शुड डू वंस वर्क। हाँ असलम है तो कर दे, असलम शुड डू हिज वर्क, और अगर लड़की है कोई तो
आलिया शुड डू हर वर्क, रूल टू पे आ गए जी, ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आफ्टर ऑल द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, बी इज एम आर वॉज वर बीन देन एज. तो हमेशा वर्ब की सारी काइंड्स के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज करनी है. कौन सी फॉर्म? सब्जेक्टिव. इन के बाद, बी के बाद, इज एम आर के बाद, वॉज वर के बाद, बीन के बाद, देन के बाद. सब्जेक्टिव का मतलब अभी आपने टेबल में पढ़ा था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का फर्क. एक क्वेश्चन आ गया, मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे लूं जी. क्या है जी? अच्छा, यहां जवेरिया कह रही है सर एवरीवन शुड डू देयर वर्क, ठीक होगा. आज का जो मॉडर्न यूसेज है ना, मॉडर्न बेसिक ग्रामर नहीं, वो कह रहा है देर लगा दे. जब आपको लड़का लड़की वो कह रहा कंफर्म नहीं है तो आप लगा दें देर. लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल ग्रामर है वो कहती है कि आप देर ना लगाएं. लड़के लड़कियां मिक्स भी हैं तो हिज स्लैश हर लगा दे, देर ना लगाए. तो हम ट्रेडिशनल ग्रामर को फॉलो करते हैं जी, तो उसके मुताबिक देर ठीक नहीं है. अच्छा बताइए कौन सा ठीक है. आई थॉट इट वॉज हिम के इट वॉज ही. अल्फा बीटा कौन सा करेक्ट है? इट वॉज ही. इट वॉज ही. वॉज के बाद सब्जेक्टिव केस, गौर करें सब्जेक्टिव केस. अगर मैं उस टेबल पर आपको वापस ले जाऊं तो आपको नजर आएगा ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का फर्क क्या है, कि ये सारे सब्जेक्टिव केस. ये आपको लिखा, ऊपर लिखा भी नजर आ रहा सब्जेक्टिव केस, आई वी यू, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं आपको नजर आ रहे, कि मी अस योर आपको लिखा नजर आ रहा है, हिम हर देम इट, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं. तो हमने वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हमें ऑब्जेक्टिव केस के बजाय सब्जेक्टिव लगाना पड़ता है, और वो रूल आपके सामने है कि इन, बी इज एम आर वॉज वर बीन देन एज के बाद. अच्छा, इट इज मी के इट इज आई हु वॉन द मैच, कौन सा करेक्ट? इट इज आई हु वॉन द मैच. इट इज आई हु वॉन द मैच. आई गौर करें, इट इज आई क्यों लगाया, कि इज के बाद सब्जेक्टिव केस आना था. इट इज आई, और हम अक्सर कितना गलत बोलते हैं ना, हम कहते हैं इट इज मी, वो इट इज मी गलत होता है, इट इज आई आना चाहिए. ही इज टॉलर देन मी के इज टॉलर देन आई. ही इज टॉलर देन आई के देन के बाद आपको सब्जेक्टिव केस ही लगाना है. देन के बाद भी आप पढ़ रहे, ही इज एज टॉल एज आई एम, जैसे आपने पढ़ता मी नहीं होता, इज एज टॉल एज आई, देन आई, तो सब्जेक्टिव केस. वेरी गुड जी. रूल थ्री पर आ गए जी. ये कुछ दिए हुए जिनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आना है, ये कौन से हैं? मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस. क्वेश्चन है सर जी, आपने कहा था कि जो कंपेयर हमने हमेशा सेम चीजों को करना है, ही इज टॉलर देन आई, इस सेंटेंस करेक्ट होगा? ये बिल्कुल करेक्ट है. असल में ये पूरा जुमला लिखा जाए तो हम लिखते होते हैं टॉलर देन आई एम, कि आपके इधर भी क्लॉज आ गई, इधर भी क्लॉज आ गई, तो ही और आए दोनों. और दूसरा आपने बात की कि एक तरह की चीजें कंपेयर होंगी, भाई ही और आए दोनों ह्यूमन है तो मैं कह सकता हूं कोई कंपैरिजन में इश्यू नहीं है. मेरी बात समझ आई? लेकिन ही स्टॉलर देन आई एम हम पूरा करते हैं. अगर एम ना भी लिखूं तो जुमला करेक्ट है, क्योंकि हम एम को समझते हैं कि ना भी लिखा जाए तो बात तो क्लियर है. तो अक्सर ये एम नहीं लिखा जाता. तो आई डू होप कि आपको ये बात समझ आ गई. अगर देखें ही टॉलर देन आई दोनों वुमेन है तो इट इज टॉलर देन मी आएगा फिर. क्यों? क्योंकि वो वुमेन नहीं है, नॉन लिमिटिंग होगी. ना 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 ना, आपने देन के बाद सब्जेक्टिव केस दे रहे, वो आप एक घोड़े से इंसान को कंपेयर कर दो कि दिस हॉर्स रन्स फास्टर देन, तो देन ही कहेंगे, देन हिम नहीं, देन ही, कि ये घोड़ा उससे तेज दौड़ता है. तो आप हिम नहीं कह सकते क्योंकि दौड़ तो दोनों सकते, तो घोड़े और इंसान का यहां कंपैरिजन हो सकता है उनकी दौड़ की वजह से. वो जो आपने कहा बात कर रही है ना एक तरह की चीजों का कंपैरिजन, वो यूं है कि हम ये नहीं कह सकते माय शूज आर बेटर देन यू. वो एडजेक्टिव में पढ़ेंगे जाके, जब एडजेक्टिव की रिएक्शन करेंगे, मेरे जूते तुमसे बेहतर है. भाई जूते तुमसे बेहतर कैसे हो गए? मेरे जूते तुमसे बेहतर है, माय शूज आर बेटर देन योर शूज, नॉट यू.
तो वो चीज थी, यहां वो चीज अप्लाई नहीं हो रही भी। अच्छा, ये जो वर्ब होता है मेन वर्ब जुमले का, मेन वर्ब आ जाए, लेट आ जाए, बिटवीन आ जाए और कोई प्रेपोजिशन आ जाए, तो उनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा करेक्ट है, नुमान हैज इनवाइटेड आई टू टी के मी टू टी? मी टू टी। नुमान हैज इनवाइटेड मी टू टी, उसकी रीजन कि इन मेन वर्ब आ गया तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लगा पाएंगे आप। चले, गुड हो गया। नेक्स्ट बताएं, शी इज अगेंस्ट वी ऑल के असल असल, वेरी गुड। दे टॉक्ड विद ही एंड आई के हिम एंड मी? हिम एंड मी। दे टॉक्ड विद हिम एंड मी, मी। देखो विद प्रेपोजिशन है, अगेंस्ट भी एक प्रेपोजिशन है, याद रखिएगा। तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, विद भी प्रेपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव केस, दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस हो गया, हिम एंड मी करना पड़ा हमें। ठीक हो गया जी? यस सर। ओके, तो ये हमारे करेक्ट है। एवरीवन केम एक्सेप्ट मी, बोलिए क्या ये करेक्ट है? आई नहीं, ये करेक्ट है मेरे बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। एक्सेप्ट, सेव और एक वर्ड में और लिखने लगा हूं बट, एक्सेप्ट सेव एंड बट। एक चीज याद रखिएगा कि एक्सेप्ट सेव और बट जब आपस में, जब तीनों सवाय का मीनिंग दी, वैसे सेव बचाना होता है, बट लेकिन होता है, मैं बात कर रहा हूं जब ये सवाय का मीनिंग दी, मतलब ये एक्सेप्ट का मीनिंग दे सारे के सारे। उर्दू मेरी बहुत कमजोर है, ऊपर से मैं लिख माउस के साथ रहा हूं, तो जब ये तीनों सवाय का मीनिंग दे तो तब याद रखिएगा आपने हर सूरत इनको प्रेपोजिशन समझना है। ठीक है? तो एवरीवन केम एक्सेप्ट मी, एवरीवन केम सेव मी, एवरीवन केम बट मी, तीनों के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस ही देना है, क्योंकि तभी ये प्रेपोजिशन होते हैं, एक्सेप्ट सेव एंड बट। अगर मैं सेव का मीनिंग बचाना लिखूं तो वर्ब हो जाता है, ही सेव्स मनी, बट का मीनिंग लेकिन बनाऊं तो वो कंजंक्शन हो जाता है, ही वर्क्ड हार्ड बट ही फेल्ड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मूव करते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता ही आता है, तो मी ये जुमला बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम, जी किसी ने हु और विच और दैट का एक फर्क पूछा था, रूल आ गया, बल्कि इसके अलावा भी रिस्ट्रिक्टिव वाला भी मैंने कहा था आएगा, कि बच्चा पार्टी हु इज यूज प्रीमेरली फॉर ह्यूमंस एंड लार्ज साइज एनिमल्स, के हु को हम ह्यूमंस और लार्ज साइज एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। ह्यूमंस और लार्ज, लार्ज साइज में आ गए, जैसे टाइगर्स आ गए, जैसे जिराफ आ गया, एलिफेंट्स आ गए, जो ताकतवर भी हों, स्ट्रांग हों, कैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सारे स्मॉल साइज कहलाएंगे। विच हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स एंड स्मॉल साइज एनिमल्स के साथ, और दैट इज यूज फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ, दैट सबके लिए ठीक है। लो जी, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। दिस इज द बर्ड हु सिंग्स, के दिस इज द बर्ड विच सिंग्स, बोले जी, हु सिंग्स, विच सिंग्स, हु सिंग्स, विच सिंग्स, विच सिंग्स। अब विच क्यों, कि बर्ड एक स्मॉल साइज है, हम बर्ड्स को स्मॉल साइज लेते हैं। हाँ, याद रखिएगा अगर ईगल वगैरह आ जाए जो फुल, तो आप हु ले भी सकते हैं, क्योंकि ईगल आपको तो पर खोलता है तो एक अच्छा खासा जाइंट साइज जो है वो एनिमल लग रहा होता है, लेकिन अगर बर्ड छोटा है तो आप विच भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो कुछ परिंदे, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने साइज के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो सर जी, यहाँ पे बर्ड तो जनरली यूज हुआ है, तो दोनों यूज कर सकते हैं, बेटर है क्या विच यूज, अगर जनरली यूज हुआ है, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, तो विच के साथ ही रहे। ही इज द मैन विच केम हियर, के हु केम हियर, ये तो सवाल नेक्स्ट आते हैं रूल फाइव पे जी, हु हूज हु विच दैट आर रिलेटिव प्रोनाउंस
एंड आर यूज एग्जैक्टली आफ्टर द नाउंस दे रिलेट. ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आया था अगर आपको स्लाइड याद हो. रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको रिलेट करते हैं उसके साथ आती. अब हु गिफ्ट के साथ लगा हुआ जो कि गलत है. असल में हु आना चाहिए था सिस्टर के साथ, क्योंकि जिस नाउन को रिलेटिव नाउन अभी हमने पढ़े भी डेफिनेशन भी पढ़ी, तो ये सिस्टर के साथ आना चाहिए. माई सिस्टर हु लिव्स इन लाहौर सेंट मी अ गिफ्ट, कि मेरी सिस्टर जो लाहौर रहती हैं उन्होंने मुझे एक गिफ्ट सेंड किया. तो वो गिफ्ट के साथ नहीं आएगा किसी भी सूरत, वो जिसको रिलेट करता है उसके साथ लगाएगा, वो जुमले में कहीं और नहीं आएगा जी. तो दैट वाज इजी. एक जुमला दे रहा हूं, शी वाज वेयरिंग अ रिंग ऑन हर फिंगर. अच्छा, रिंग इन हर फिंगर नहीं होता, रिंग ऑन द फिंगर होता है आपके. देखो रिंग फिंगर के ऊपर होती है, फिंगर के अंदर नहीं. अंदर फिंगर के डालनी, ऑपरेशन करके डालनी पड़ेगी. She was wearing a ring on her finger which was made of gold. जुमला करेक्ट करें जी. She was wearing a ring on her finger which was made of gold. She was wearing a ring which was made of gold on her finger. Very good, very good. गौर करें, अगर जुमला जो मैंने बोला उसमें खराबी क्या है कि she was wearing a ring ऑन हर फिंगर विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड. तो विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड विच किसके साथ लगाए? फिंगर के साथ. तो जुमले का मीनिंग है उंगली सोने की थी. ऑन हर फिंगर, और फिंगर कैसी थी जी? विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड. ना बच्चा, विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, वो जो विच है वो रिंग के लिए है, तो रिंग के साथ लगाए. शी वॉज वेयरिंग अ रिंग विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड ऑन हर फिंगर. तो आई डू होप कि आपको ये करेक्शन भी समझ आई होगी. ये रूल नंबर 5 हो गया जी. रूल नंबर 6 जी, बोलिए कौन सा करेक्ट है? रूल नंबर 6 नहीं बल्कि रूल नंबर 5 के अंदर की बात है, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ ली थी आपने. ईटा जी जी क्या आएगा सर? तब बीटा. बीटा, वेरी गुड, वेरी गुड. तो बीटा आपने लगाया उसकी रीजन के आपने रूल पढ़ा था, वो रूल रिवाइज हो गया. के जी जब ओनली वन आ जाता है, इज ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट्स आ गया, जब ओनली वन आ जाता है तो तब आप रिलेटिव प्रोनाउन का रूल अप्लाई नहीं करते. अब हु लगा हुआ है कैंडिडेट्स के साथ, कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, तो ज्यादा कैंडिडेट्स को देखकर दिल तो करेगा कि आप लव लगाएं, ये ठीक करें, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ओनली वन आ गया है. तो ओनली वन की मौजूदगी में आपको हमेशा सिंगुलर ही यूज करना है. ही इज ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट्स हु लव्स हिज कंट्री, के सारे कैंडिडेट्स में ये अकेला है जो अपने मुल्क से मोहब्बत रखता है. ही इज ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट्स हु लव्स हिज कंट्री, सारे कैंडिडेट्स में ये वाहद है जो अपने मुल्क से मोहब्बत रखता है. तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बात भी अच्छे तरीके से, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. अच्छा, अगर ओनली ना होता, सिर्फ वन होता, ये वाला मैं अल्फा लेता हूं, ओनली ना होता सिर्फ वन होता, तो ये अल्फा भी ठीक होता, इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स, तो फिर कहते हो लव बल्कि देयर कंट्री भी आना था, फिर आपका ये डेल्टा ठीक हो जाना, चार्ली ठीक हो जाना था, कि वन ऑफ द कैंडिडेट्स उन कैंडिडेट्स में से एक है जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं. और जब मैं ओनली वन लगाता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा था, ही इज ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट्स में ये अकेला है, ये वाहद है जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, हु लव्स हिज कंट्री. ले जी, ये कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स आ रहे हैं, क्योंकि प्रोनाउन उसमें भी डिस्कस हुआ था. आपने एक बात पढ़ी थी कि ये सारे जो वर्ड्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, एनी बॉडी, एनी वन, एनीथिंग, ईच, इसको मैं जल्दी से रिपीट करवा देता हूं. सबका मीनिंग एक का होता है, वन का. हमने एक पढ़ी थी कि हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है जी, और प्रोनाउंस भी सिंगुलर लगाते हैं जी. एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी, भी एवरी जो आ गया, एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी.
कि इन लफ्जों के साथ हर शब्द सिंगुलर है. एवरी बॉय शुड डू हिज वर्क, एवरी गर्ल शुड डू हर वर्क. तो हर शब्द सिंगुलर, देर नहीं लगाया, हिज या हर लगाया. और मैं अगर वर्ब भी लगाऊं तो एवरी मैन इज वर्किंग फॉर हिज फ्यूचर. देखो इज लगाया, आर नहीं लगाया. लेकिन एक बात जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पड़ी थी कि अगर इनके बाद ऑफ आ जाए, इन सब के बाद ऑफ आ जाए तो जो नाउन अटैच्ड है वो प्लूरल हो जाएगा. देखो वन ऑफ द बॉय नहीं, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, जो सब्जेक्ट अटैच्ड है वो प्लूरल हो गया ऑफ की वजह से. वर्कर अगर इनके बाद ऑफ आ जाए तो सारा काम हुआ, लेकिन बाकी सिंगुलर रहेगा. पीछे हमने बोले बोले सर, अभी हमने पीछे पढ़ा ना, तो वन ऑफ आपने बोला वो फिर सिंगुलर यूज कर, लव यूज करेंगे प्लूरल. चलिए मैं आपको ये बात भी समझाऊं. असल में वहां वन ऑफ जब आया है, वन ऑफ द कैंडिडेट्स आया तो आगे हु भी आ गया. अब हमारे पास दो रोले थे कि हु किस हु रिलेटिव प्रोनाउन है कैंडिडेट्स को रिलेट कर रहा है, और अगर वो कैंडिडेट्स को रिलेट कर रहा है तो वर्ब भी कैंडिडेट्स के मुताबिक लव ले गया. जब रिलेटिव प्रोनाउन का रूल अप्लाई करना है तो तब हर शब्द भूल जानी है सिवाय ओनली वन की मौजूदगी में. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ओनली वन जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूल को फॉलो नहीं करेगा. ओनली वन कहेगा जी मैंने हर सूरत सिंगुलर लेना है, जो मर्जी कर लो. तो ओनली वन की वजह से हु लव्स हिज कंट्री करना पड़ गया. ये सारा ओनली वन ने काम दिखाया है. ओनली वन की मौजूदगी में ओनली वन का रूल फॉलो होगा. रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हु हूज हुम इज दैट का रूल अप्लाई नहीं होगा. वरना तो हु को देखकर कैंडिडेट्स के साथ लगा हुआ है, मुझे लव लगाना चाहिए था, देर लगाना चाहिए था. लेकिन अगर ओनली वन नहीं है, अकेला वन है तो आप हु का रूल अप्लाई कर देंगे. फिर रिलेटिव प्रोनाउन का रूल ही डोमिनेंट है. लेकिन पुत्र मुझे नीचे जुमलों में बताओ कि क्या हु आया, कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया, कोई हु हूज हुम विच दैट आया. बोले शाबाश. नो सर, नहीं आया. नो सर. और अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब है हमें रिलेटिव प्रोनाउन का रूल अप्लाई भी नहीं करना. जब आया ही नहीं तो रूल क्यों अप्लाई करते मेरे. ठीक है. यस सर. तो दैट इज व्हाई अब हमें ये रूल अप्लाई करना जो ऊपर लिखा हुआ है कि एवरी आ गया है तो एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी. लेकिन उसी एवरी या वन, जैसे एवरी वन ऑफ द मैन, एवरी ऑफ द मैन, तो एवरी ऑफ द मैन नहीं, एवरी ऑफ द मैन कहेंगे. वन ऑफ द बॉय नहीं कहेंगे, वन ऑफ द बॉयज कहेंगे. कि जो नाउन अटैच्ड है वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन जो वर्ब और प्रोनाउन आएंगे मतलब प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में याद करो मैंने प्रेडिकेट कहा था, वो सिंगुलर होंगे. तो एवरी सॉरी वन ऑफ द बॉयज सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, लेकिन प्रेडिकेट देखो फिर सिंगुलर है. वाज डूइंग हिज ड्यूटी. नन ऑफ द गर्ल्स वाज लर्निंग हर लेसन. आई होप कि आपको मेरी बात रूल नंबर 5 और 6 को इकट्ठा किया है हमने तो समझ आ गई होगी. yes, कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन के रूल को प्रेफरेंस देनी है. ओनली वन आ जाए तो फिर उसको प्रेफरेंस नहीं देनी, और जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो फिर उसका रूल भी यूज नहीं करना. तो ये दो हमारे करेक्ट थे. रूल नंबर 7 जी, नीदर और नन का फर्क. ये नीदर है ना, ये दो के लिए यूज होता है. जब तक जुमले में वाजे ना हो जाए दो थिंग्स या पर्सन है, नीदर यूज नहीं करना. और अगर दो से ज्यादा हो तो नन यूज करना होता है. नीदर ऑफ देम गलत है, आना था नन ऑफ देम, क्योंकि हमें देम से पता लग रहा है ज्यादा होंगे. आई हैव नन ऑफ द टू बुक्स के नीदर ऑफ द टू बुक्स. आई हैव नीदर ऑफ द टू बुक्स, क्योंकि दो आ गया. अगली स्लाइड भी वही बात कर रही है, ये फर्क बता रही है. वो नीदर का था, ये ईदर का है. नीदर होता है दो में से एक भी नहीं, ईदर होता है दो में से कोई एक. तो ईदर इज यूज फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, ईदर दो के लिए. हां आप एनी या एनी वन का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए. मोर देन टू पर्सन्स थिंग्स के लिए आप एनी या एनी वन का इस्तेमाल करेंगे.
तो ईदर ऑफ देम गलत है, हमें क्या लगाना है? एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम. आई हैव एनी ऑफ द टू बुक्स, नहीं ईदर ऑफ द, आई हैव ईदर ऑफ द बुक्स, ईदर. तो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी? यस सर. एनी वन और एनी बॉडी में क्या फर्क होगा? एनी वन और एनी बॉडी में, यस. देखो जब मैं एनी वन कहता हूं ना, तो वो वाइडर टर्म है ज्यादा. वो बुक्स के लिए भी यूज हो सकता है, वो एनिमल्स के लिए भी यूज हो सकता है, वो लिविंग नॉन लिविंग सब के लिए. जब मैं एनी बॉडी यूज करता हूं तो वो सिर्फ बॉडीज के लिए, वो ह्यूमंस के लिए यूज होता है सिर्फ. मीनिंग दोनों का ऑलमोस्ट एक एग्जिस्ट कर रहा होता है कि हर एक. तो एनी बॉडी है तो हर एक के बजाय हर शख्स का मीनिंग दे जाता है. रूल नंबर 9 जी, ईच अदर और वन अनदर का फर्क. ईच अदर दो के लिए, ईच अदर टू पर्सन और थिंग्स के लिए, और वन अनदर फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स. जी बताइए सारे करेक्ट हैं क्या? टू ब्रदर्स लव ईच अदर करेक्ट है, ऑल ब्रदर्स लव वन अनदर करेक्ट है, तो थ्री ब्रदर्स लव वन अनदर भी करेक्ट है. तीनों करेक्ट है. वेरी गुड. चलो जी आज का आखिरी रूल करते हैं. आज के लिए रूल 10 तक हम रहेंगे. आज हमने प्रोनाउन की काइंड्स भी की थी, 7-10 रूल्स हो जाएंगे माशाल्लाह. तो पर्सनल प्रोनाउन्स आर अरेंज्ड इन अ फिक्स ऑर्डर. ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, आपको तो ना आई वी फर्स्ट पर्सन है, ही वगैरह थर्ड पर्सन है, और यू जो है वो सेकंड पर्सन है. हमने पर्सनल प्रोनाउन के साइड में देखा, अगर काम नेगेटिव हो, कोई ना कोई एक्शन में नेगेटिविटी हो, तो भाई खुद को पहले रखें, आई को पहले रखें. आई ही एंड यू की तरतीब होगी. अगर दो होंगे तो आई ही या ही यू या आई यू होगा, तरतीब ऐसे ही रहेगी. उसकी वजह इसको कहते होते रूल ऑफ सिविलिटी, के सिविलाइजेशन का रूल है. भाई कुछ गलत हो जाए तो सबसे पहले कह जी मेरी वजह से, उसकी वजह से, और सबसे पहले जो आप सबसे आखिर पर जो आपके सामने बैठा है कि आपकी वजह से. इल्जाम सामने वाले पर सबसे एंड पर उठाना है, उंगली सबसे काम आकर पे उठानी है, अपने गिरेबान को पहले पकड़ना है. हमारे काम उल्टे होते हैं, कुछ गलत हो जाए सब तेरी वजह से, तो हम सिविलाइज लोग नहीं होते तब जी. और अगर कुछ पॉजिटिव या न्यूट्रल हो, बात पॉजिटिव या न्यूट्रल है, तो दूसरों को क्रेडिट दें कि भाई सब तुम्हारी वजह से, भाई आपकी वजह से, आप लोगों का तावन था. हमारे काम उल्टे करते हैं, हमारे क्या कहते हैं, अपना पकड़ के ना बाजू, भाई ना होता तो कैसे होना था, मतलब अपनी बात पकड़ के, तो ये गलत होता है जी. तो यू आई अपने आप को सबसे एंड पर रखे जब कुछ पॉजिटिव हो रहा हो. बताइए कौन सा ठीक है पहली एग्जांपल में? अल्फा. यस अल्फा इस अल्फा. यू ही एंड आई जुमले में न्यूट्रल एक्शन है, कोई नेगेटिविटी नहीं है. दूसरे में बताएं आखिरी वालों में. चार्ली. क्योंकि लड़ाई हुई है और आई ही एंड यू की तरतीब दो जगह पे थी, सी में भी और डी में भी. ओहो, सी में भी और डी में भी दो जगह पर लड़ाई हो रही थी आई ही एंड यू की, पर लड़ाई फर्क था ईच अदर. ईच अदर तो लगाना ही था भाई जब दो. तो दैट इज व्हाई हमने चार्ली करेक्ट किया, हमने इसका डेल्टा करेक्ट नहीं किया. जी बच्चे बोले क्या कहना है सर? अगर अगर आई एंड ही हो तो फिर क्वाल विद ईच अदर हो जाएगा, क्योंकि दो लोग हैं. आई एंड ही क्वाल विद ईच अदर हो जाएगा. जेरेंड मैंने आपको बता दिया था कि आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन यूज हो, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगी होती है जो, वो जेरेंड होती है जो आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन यूज हो. तो हम जब जेरेंड आ जाए तो उसके साथ पोजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव्स एंड नाउन यूज करते हैं. पोजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव्स एंड नाउन के हम adjectives and nouns का possessive case इस्तेमाल करते हैं. possessive case मतलब जो possession show करता है.
जो मलकियत शो करता है उसको हम पोजेसिव कहते हैं। आपने पढ़ा माइंड पोजेसिव प्रोनाउन है, हम बात करें पोजेसिव एडजेक्टिव की, माय आवर योर हिज, ये एडजेक्टिव हैं क्योंकि नाउन के साथ आते हैं, माय बुक योर बुक देयर बुक हर बुक। ओके जी, खैर हम इधर आते हैं, बताइए चार जुमले इनमें एक सही है, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, कौन सा करेक्ट है इन चारों में? I like you studying books, your studying books, yours to studying books. Beta. Beta ji? Yes. चले मैं आपका चैट भी खोल के सामने रख लेता हूँ ताकि मुझे आसान हो जाए। ओए ये पिछली स्लाइड खुल गई। Yes. It is beta ji. I like your studying books. तो देखो जो books है वो भी नाउन है, स्टडिंग जेरेंड है, आईएनजी फॉर्म आई हुई है, पढ़ना। तो जब जेरेंड आ जाता है आईएनजी फॉर्म तो हमें उसके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है। देखो अल्फा क्यों गलत है, आई लाइक यू स्टडिंग बुक्स, आई लाइक यू तो होता है पर स्टडिंग की वजह से आई लाइक यू नहीं यूज किया, आई लाइक यूअर स्टडिंग बुक्स यूज किया, यूअर्स हम यूज नहीं कर पा रहे थे, रीजन यूअर्स प्रोनाउन है, हमें पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक हो गया जी? अच्छा चलो इस बात से हम आगे आते। देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूं किताबें पढ़ते हुए नहीं, मुझे तुम्हारा किताबें पढ़ना पसंद है, आई लाइक यूर स्टडिंग बुक्स। नीचे वाले में बताइए, आई हेट हिम स्मोकिंग सिगरेट्स, आई हेट स्मोकिंग सिगरेट्स, जी जी बीटा बीटा, आई हेट बीटा ही आएगा सर। यस, आई हेट हिज स्मोकिंग सिगरेट्स, मुझे उसका सिगरेट पीना ना पसंद है, आई हेट His smoking cigarettes, उसका सिगरेट पीना ना पसंद है। देखो I hate him smoking cigarettes का मतलब I hate him, मैं उसे नफरत करता हूं सिगरेट पीते हुए, इसका मतलब जैसे सिगरेट बुझाता हूं मुझे उससे मोहब्बत हो जाती है, तो मीनिंग ही सारे का सारा बड़ा अब्सर्ड सा बना। तो मीनिंग है I hate his smoking cigarettes, मुझे उसका सिगरेट पीना ना पसंद है। तो दैट इज बीटा, दैट इज आवर आंसर जी, I hate his smoking cigarettes. Next आते हैं rule 12 पे, my, our, your, his, her, their, its are adjectives, mine, ours, yours, his, hers, theirs, its are pronouns. बोलिए जी, Charlie. It's बीटा बच्चे, रूल असल में क्या अप्लाई हुआ, मेरी एक बात याद रखिए, ये जो वर्ड्स है ना माय आवर योर हिज हर देयर इट्स, ये हमने बोल दिया एडजेक्टिव्स है, ठीक है। नीचे वालों के बारे में हमने कह दिया कि वो प्रोनाउन है, माइन आर्स योर्स हिज हर्स देयर्स, बुक नाउन है जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यस सर। तो बुक नाउन है, तो नाउन के साथ हमेशा एडजेक्टिव होता है, तो माय बुक, क्योंकि ये सारे एडजेक्टिव हैं, हमें इनको कहा था ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और ये पोजेसिव प्रोनाउन्स हैं। तो बुक नाउन है तो नाउन के साथ प्रोनाउन तो नहीं आता, प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन नॉट विद नाउन, प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन नॉट विद नाउन, तो बुक नाउन है तो नाउन के साथ एडजेक्टिव माय बुक। ये जो आए है ये तो बेसिकली प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस, माइन भी प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, तो हम नहीं लगाएंगे नाउन के साथ प्रोनाउन, नाउन के साथ हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, दैट इज वाई दिस बुक इज बेटर देन माय बुक। और आखिरी वाले में जो माइन बुक लिखा था वो गलत है, बुक नाउन है तो माइन तो नहीं आ सकता, माइन तो प्रोनाउन है। आई डू होप कि आपको ये बात समझ आई होगी, जहां से ना समझ आए कोई इशू लगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने फौरन एक क्वेश्चन दाग देना है, ठीक हो गया जी? ओके स्टूडेंट्स, चले दैट्स गुड, आगे बढ़ते हैं। रूल 13 जी,
entities of same kind can be compared, not vice versa. This book is better than mine. ये ठीक है कमर, this book is better than mine ठीक है, my book कह लें, और अगर my book यूज नहीं करना तो देखो उसकी क्या pronoun यूज कर लो, pronoun तो आता ही noun की place पर है, pronoun तो आता ही noun की, pronoun तो आता ही noun की place पर है, और चूंकि pronoun noun की place पर आता है तो आप यूज करें, कोई इश्यू नहीं है, खुल के यूज करें, ठीक हो गया जी, चले गुड है। अब आते हैं एंटिटीज ऑफ सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड, एक तरह की एंटिटीज। अच्छा जुमला बताएं कौन सा करेक्टर, फिर बात करते हैं। डी डेल्टा, इट्स डी, वेरी गुड रुबाब, वेरी गुड बच्चे। क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन लाहौर, नहीं हॉटर देन दैट ऑफ लाहौर, दैट ऑफ लाहौर मीन्स क्लाइमेट ऑफ लाहौर, क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन क्लाइमेट ऑफ लाहौर देन दैट ऑफ लाहौर। आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी बोले बोले। सर ये बेटा में लाहौर से आ गया तो मतलब पोजेशन शोर है, यानी लाहौर का क्लाइमेट, ये भी तो कह सकते हैं। मैं अभी बात, पहले बात है कि मुल्तान के क्लाइमेट का मुकाबला लाहौर से नहीं, लाहौर के क्लाइमेट से होगा। अल्फा तो इसलिए गलत हो गया कि क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन लाहौर, भी मुल्तान के क्लाइमेट का मुकाबला लाहौर से नहीं, लाहौर के क्लाइमेट से होना है। यहां तो आ जाता क्लाइमेट ऑफ लाहौर, क्लाइमेट नहीं आया तो उसकी जगह प्रोनाउन आ गया दैट ऑफ लाहौर, देन दैट ऑफ, दैट मींस क्लाइमेट, दैट प्रोनाउन है क्लाइमेट के लिए, धारे प्रोनाउन उनकी जगह पे आता है। सिटीज के नेम के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, याद रखिएगा, ठीक है। माइन, माय बुक इज बेटर देन असलम्स बुक, या कह दिया असलम्स, असलम्स मतलब असलम की, डन हो गया, क्योंकि असलम के साथ हम अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, लेकिन सिटीज के नेम के साथ आप अपोस्ट्रोफी लगा नहीं सकते। आई डू होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक हो गया जी। जी सर। और देन दैट लाहौर इसलिए नहीं आया कि देन क्लाइमेट लाहौर, अब क्लाइमेट लाहौर नहीं, क्लाइमेट ऑफ लाहौर, क्लाइमेट ऑफ लाहौर आपने देना है, क्लाइमेट लाहौर नहीं देना। चले लेट्स गुड जी, नेक्स्ट हम जो है वो मूव करते हैं। Who is used when subject is missing? Whom is used when object is missing? Or whose is used to show possessions? Whose is used to show possessions? Chale. Who is? Hum aate hain. Who do you want to see? Whom do you want to see? Whose do you want to see? Whom do you want to see without question mark? कौन सा character? फिर मैं आपको समझाता हूँ ऊपर वाली बात। पहले जुमला देख लेते हैं फिर बात समझना आसान हो जाता है। बीटा, बीटा जी, स्टूडेंट्स कह रहे हैं बीटा एंड इट इज बीटा। देखिए हमने कहा कि हु यूज करना है जब सब्जेक्ट मिसिंग होगा, गौर करें, हु यूज करना है जब सब्जेक्ट मिसिंग हो, Whom यूज करना जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो। जुमले में देखते हैं, हु से आगे देखना है जी, आगे देखा तो यू वॉन्ट, वॉन्ट वर्ब है, यू वॉन्ट तुम चाहते हो, वॉन्ट वर्ब है तो वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट, इसका मतलब यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो मौजूद है भाई, सब्जेक्ट तो मौजूद है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही तो आता है, इसका मतलब जुमले का ऑब्जेक्ट मिसिंग है, हम हु नहीं लगा पाएंगे, और ऑब्जेक्ट तो मौजूद ही नहीं है। यू वॉन्ट टू सी, अब किसको मिलना है, वो शख्स मौजूद नहीं है, जुमले में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक हो गया जी। तो दैट इज वाई हमारा बीटा ही करेक्ट है, और डेल्टा में क्वेश्चन मार्क नहीं आया, दैट इज वाई हमने ठीक नहीं किया। अच्छा यहां बताएं एग्जांपल टू में, होम बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, बीटा बीटा, Whose book is this? के ये किसकी किताब है? गौर करें कि आपके सामने आ रहा है कि किताब की पोजेशन पूछ रहे हैं, पोजेशन पूछेंगे तो हुज लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल थ्री में, दिस इज द बॉय हु ब्रोक द ग्लास, के हुम ब्रोक द ग्लास, दिस इज द बॉय हु ब्रोक द ग्लास, वेरी गुड, दिस इज द बॉय Who broke the glass?
रीजन आपने हु से आगे देखना है, पीछे नहीं देखना, आगे आगे देखे वर्ब आ गया ब्रोक, वर्ब आ गया लेकिन उस वर्ब का सब्जेक्ट मौजूद नहीं है कि किसने तोड़ा, तो यहाँ सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट मिसिंग है तो हु लगाए। एग्जाम्पल फोर में बताएं द गर्ल हु आई मेट बीटा के हुम आई मेट टुडे बीटा हुम आई मेट द गर्ल हुम आई मेट, तो चूंकि हुम आई मेट आ रहा है तो दैट इज व्हाई हम यहां जो लगा पाएंगे ओहो एक हम आगे चले गए, तो हमें गौर करो सब्जेक्ट तो मौजूद है मेट वर्ब आए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मौजूद है तो हु नहीं आना, अब हमें हुम लगाना पड़ जाएगा। तो आई डू होप कि आपको ये बात भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर, और ये आपको दिए हुए कुछ कि इनके बाद अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। रिफ्लेक्सिव आपने पढ़ा था वो सेल्फ वाले प्रोनाउन, उनको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, इनके बाद यूज करना है देखते हैं जी। अवेल वन सेल्फ ऑफ, देखो वन सेल्फ आ गया, अगर शी है तो शी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, दे है तो दे अवेल्ड देमसेल्फ्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी, एब्सेंट वन सेल्फ फ्रॉम, रिजाइन वन सेल्फ टू, यहाँ रिजाइन का मतलब इस्तीफा देना नहीं है, सरेंडर कर जाना है, एक्विट वन सेल्फ ऑफ, ये बरी कर देना निजाम से, इंजॉय वन सेल्फ, अवेंज वन सेल्फ ऑन, अवेंज होता है किसी और के बिहाफ पर बदला लेना, रिवेंज अपनी जात का, अप्लाई वन सेल्फ टू, मेहनत करना, एग्जर्ट भी मेहनत करना, प्राइड जो है क्या नाम लेते हैं फखर करना, और अडेप्ट जो है वो अपने आप को माहौल के मुताबिक बना लेना। इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आएगा। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। अच्छा जी, ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी कौन सा करेक्ट है, ही अवेल्ड हिमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, कौन सा करेक्ट है जी, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, चार्ली, क्योंकि ऑफ भी तो लगाना, चार्ली आएगा सर, यस चार्ली, वेरी गुड, क्योंकि हमें ऑफ भी तो लगाना ही लगाना था। अच्छा नेक्स्ट बोलें जी, आई एंजॉयड ऑन द मॉल रोड, बीटा, आई एंजॉयड मायसेल्फ ऑन द, तो क्या आएगा जी, बीटा, 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 क्योंकि इंजॉय के बाद हमें अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना ही देना था, तो हमने वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दिया। चैट में मैसेजेस आ रहे हैं जी, यस इट्स बीटा। नेक्स्ट एग्जांपल में बताएं, आई एंजॉयड द मैच, आई एंजॉयड मायसेल्फ द मैच, बीटा, बीटा, अल्फा, अल्फा जी, जी सर, इट्स अल्फा। अच्छा जिसने अल्फा बोला, जिसने कमर ने बोला, कमर वजह बताएंगे आप? सर जी यहाँ पे मैच एंजॉय हुआ है तो सर, ज्वेरिया बाबर बात कर रही हैं? यस सर, ज्वेरिया एंटी डैश, हाँ आपने पढ़ा हुआ है, आपने बताया था मुझसे, एम ए, वेरी गुड। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे को रूल याद अगर होता है ना कि अच्छा ये पढ़ा हुआ था, तो वेरी गुड। एक चीज है जी एंजॉय के साथ रूल एग्जाम्पल थ्री और एग्जाम्पल फोर में, कमर आपने भी ये बताया, वेरी गुड कमर, कैसे आप, आपको ये रूल पता था? कमर मुझे रूल बताएं कि हमने यहाँ एंजॉय के बाद मायसेल्फ लगाया है, यहाँ एंजॉय के बाद मायसेल्फ नहीं लगाया, कोई वजह बताएंगे कमर? अच्छा कमर कह रहा है आप ही ने बता दिया है, चले आप ही कहां पढ़ती रही है कमर आपकी? ओके पीजीसी, गुड, चले जी माशाल्लाह, मेरी स्टूडेंट थी और समवन एल्स, चले खैर हम जल्दी से लेक्चर पे आते हैं। ओके थैंक यू जी, शी वाज माय स्टूडेंट, तो रियली इट्स प्राइड फॉर मी, उसका नाम वगैरह मुझे सेंड कीजिएगा, उसको मेरी तरफ से शाबाश, उसको पहुंचा दो कमर, शाबाश आपसे उधर जा रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके। अच्छा जी, तो आई इंजॉयड द मैच हमने क्यों किया, क्योंकि मैच ऑब्जेक्ट है, मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये याद रखिएगा, दैट इज ऑब्जेक्ट। अच्छा कैसे पता लगेगा कि मैच ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट का कंफर्मेटिव टेस्ट क्या करते होते हैं, ऑब्जेक्ट का कंफर्मेटिव टेस्ट, केमिस्ट्री वाले हंस रहे होंगे कि सर केमिस्ट्री की बातें यूज कर रहे हैं ग्रामर में,
हम जी ग्रामर को भी केमिकल करके पढ़ लेते हैं, पैसिव बना के, पैसिव बना के, वेरी गुड जवेरिया बाबर, जबरदस्त। जिस जुमले का पैसिव वाइज आपने बना लिया, समझ लो उस जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद है। आई एंजॉयड द मैच का पैसिव वाइज बनेगा द मैच वाज एंजॉयड बाय मी, द मैच वाज एंजॉयड बाय मी। चूंकि द मैच वाज एंजॉयड बाय मी पैसिव वाइज बन गया, जिस जुमले में इसका मतलब इस जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद है, और जिस जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद होगा उस जुमले में इंजॉय के बाद, ये एक्सेप्शन सिर्फ इंजॉय को हासिल है याद रखिएगा, उस जुमले में इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। उस सेंटेंस में इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। आई इंजॉयड द मैच ही करेक्ट है, लेकिन आई इंजॉयड ऑन द मॉल रोड, ये आगे चले गए हम, आई इंजॉयड ऑन द मॉल रोड, इसमें माई सेल्फ लगाया क्योंकि मॉल रोड ऑब्जेक्ट नहीं था। अगर मॉल रोड ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस बना के दें, आई इंजॉयड माई सेल्फ ऑन द मॉल रोड। चलो माई सेल्फ को एक बार निकाल देते हैं, आई इंजॉयड ऑन द मॉल रोड पैसिव वॉइस बनाए जरा, अगर बनता है तो। सर इसका नहीं बन सकता, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस का तो बन जाएगा ना, ही अवेयर्ड द अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ इंजॉय को हासिल है, कि अगर उसमें इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। अवेल, एब्सेंट, अवेंज, अप्लाई, एग्जर्ट, प्राइड का तो मैंने कहा ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? ये एक्सेप्शन सिर्फ इंजॉय के साथ है कि अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज ना करें, सिर्फ इंजॉय के साथ। तो आई इंजॉयड ऑन द मॉल रोड, कह रहे हो जी ऑन द मॉल रोड वाज इंजॉयड बाय मी, तो गलत है। अब ऑन द मॉल रोड वाज इंजॉयड बोले क्या होता है, यहां तो होता है मॉल रोड वाज इंजॉयड बाय मी, तो फिर ऑन किधर गया? तो इसका मतलब कि ऊपर वाले जुमले का पैसिव वॉइस नहीं बन रहा, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी हमने जल्दी एक्टिव पैसिव भी करने हैं जी, बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको करेक्ट ऑब्जेक्टिव में उनकी जरूरत रहेगी, स्पेशली सीएसएस के ऑब्जेक्टिव और पीएमएस के ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो दैट इज व्हाई वो नहीं बन पाएगा। तो आई इंजॉयड द मैच पैसिव वॉइस बना लगा दिया आपने, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाया। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं जी, रूल नंबर 16 आ गया जी हमारा। रूल नंबर 16 है डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर हाइड एंड लिस्ट, बाथ, कीप, ब्रेक, ओपन, स्प्रेड, टर्न, रेस्ट, ड्रॉ, ठीक है जी, फीड। डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर, मतलब इनके बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना, उनके बाद करना, इनके बाद नहीं करना। He kept away from bad boys, कभी नहीं कहना he kept himself away, अक्सर कहते हैं he kept himself away, गलत है वो, grammatically acceptable नहीं है। Ali takes a bath daily, Ali takes himself a bath daily, आपने Ali takes a bath daily ही कहना है, ठीक है जी। She hid himself behind the sofa, नहीं she hid behind the sofa, वो hid himself नहीं करना आपने। I do hope कि आपको ये बात भी समझ आई होगी students। तो 17 पे आते हैं जी। सर वो kept away height के meanings में आ जाएगा। kept away क्या कह रहे हो? यहाँ kept away के ऊपर कोई दीन exception दी हुई नहीं दी हुई, तो kept away height के meaning में आ जाएगा। नहीं नहीं यहाँ kept away दूर रहना, सिर्फ दूर रहना। दूर रहना। तो kept away ये नहीं कहना he kept himself away, ठीक है? जी। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ वाले नहीं लगाने हैं आपने। लो जी प्रोनाउन का रूल नंबर 17 पे हम आ गए जी, आज 11 से चले थे हम। तो अब प्रोनाउन कैन नॉट रेफर टू मोर देन वन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हमें पता है उसको कहते हैं जिसकी जगह पर प्रोनाउन यूज हुआ, जिसकी जगह पर प्रोनाउन यूज हुआ उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो अब प्रोनाउन कैन नॉट रेफर टू मोर देन वन एंटीसीडेंट, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, इससे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ओके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। टेक द रेडियो आउट ऑफ द कार एंड फिक्स इट, ये इनकरेक्ट है, कोई इसको ठीक करके दिखाए। टेक द रेडियो आउट ऑफ द कार एंड फिक्स इट,
जी स्टूडेंट्स, लो जी करेक्शन आ रही है। टेक द लाइटिंग आउट ऑफ कार एंड फिक्स नो सर। वेरी गुड, जबरदस्त एक आंसर आ गया। अच्छा जी, एसन की तरफ से फिक्स द रेडियो। देखिए, टेक द रेडियो आउट ऑफ द कार एंड फिक्स, अब फिक्स करना क्या है, रेडियो या कार, ये नहीं समझ आ रही। इट अब कार के लिए भी हो सकता है और रेडियो के लिए भी। जो लोग गाड़ी की थोड़ी बहुत वायरिंग समझते हैं या कभी करवाई है तो उन्होंने देखा होगा कि अक्सर हमारे गाड़ी के काफी सारे सर्किट्स जो होते हैं, ब्रेकर्स जो होते हैं, वो डैशबोर्ड के नीचे लगे होते हैं। और अक्सर जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो रिपेयरिंग करने के लिए रेडियो वगैरह, टेप वगैरह बाहर निकालते हैं और नीचे फिर वो चीजें ठीक करते, वायरिंग सेट करते हैं। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि टेक द रेडियो आउट ऑफ द कार के रेडियो निकाल कर उस रेडियो को कनेक्ट फिक्स करना है, फिक्स होता है यहाँ सही करना, या कार को फिक्स करना है, ये नहीं समझ आ रहा। तो दैट इज वाई इट की जगह पर लगाएं। ये इट दो दो एंटीसीडेंट को रेफर किया जा रहा, समझ नहीं आ रहा कि ठीक क्या होना है। नीचे वाला जुमला और इस रूल को वाजे करेगा। द क्वारल बिटवीन असलम एंड अली स्टार्टेड व्हेन ही वाज ब्लेम्ड। करें जी, द क्वारल बिटवीन असलम एंड अली स्टार्टेड व्हेन ही वाज ब्लेम्ड। वेरी गुड। देखो, हमें बताना पड़ेगा कि वो ही कौन है, वरना तो ये नहीं समझ आ रही कि ब्लेम किसने लगाया, किसको लगा। ही तो असलम के लिए भी हो सकता है और ही जो है वो अली के लिए भी हो सकता है, हमें क्या पता वो किसके लिए यूज हो रहा है। तो दैट इज वाई हम इधर असलम या अली का नाम खुद लिखेंगे। हाँ, अगर असलम एंड आलिया होता तो ही बिल्कुल ठीक था, हमें पता भी ही असलम है, आलिया तो हर शी होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ ही जो है वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और दो दो इंटीसीडेंट की तरफ एक ही वक्त रेफर किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। आई डू होप कि ये बात भी आपको प्रॉपरली समझ आई हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और ठीक है जी सर, गुड। तो नेक्स्ट हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी देखते हैं। अच्छा, ये देखो दोनों करेक्शन मैंने कर दिए। नेक्स्ट आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जी, हेयर इज द मैन प्लीज कॉल, करें जरा करेक्ट। हेयर इज द मैन प्लीज कॉल हिम, हेयर इज द मैन प्लीज कॉल हिम, प्लीज कॉल द पुलिस, प्लीज कॉल अवर बॉय। अभी कुछ तो बताओ, ये रहा आदमी बुलाओ, अब बुलाना किसे? अगर तो उस आदमी को बुलाना है कॉल हिम, पुलिस बुलानी है तो कॉल द पुलिस, कि वो कोई चोर नजर आ गया जिसको आपने कभी देखा था, या लड़ाई करनी है तो प्लीज कॉल अवर बॉयज। कॉल करना किसको है? समझ नहीं आ रहा, हमारा कॉल या उस बंदे को कॉल करना है कॉल हिम। तो जब तक हम कॉल के आगे एक प्रोनाउन या नाउन नहीं देंगे, सेंटेंस एम्बिगुअस रह जाएगा। चले, आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन हु इज रिटायर्ड, आई वॉन्ट अ टीचर हु इज रिटायर्ड फॉर माई सन। देखो, हु किसके साथ लगा हुआ है? टीचर के साथ, सन के साथ। तो जुमले का मफहूम बन रहा है कि मुझे अपने रिटायर्ड बेटे के लिए टीचर चाहिए। अब रिटायर्ड बेटे के लिए टीचर कौन मांगता है, रिटायर्ड टीचर चाहिए अपने बेटे के लिए। वेरी गुड, नेक्स्ट करें। He is the only one of the brother who has married. He is only one of the brothers. एक तो कहें brothers, भाई में brothers. से, भाइयों में से एक, ठीक है। और साथ इसको has, वो have, को has करें। ये जुमला दो तरह से करेक्ट हो सकता था, या तो आप इस जुमले में only उतार देते तो फिर आपको सिर्फ ब्रदर को ब्रदर्स करना था कि इज वन ऑफ द ब्रदर्स हु हैव मैरिड, वो उन भाइयों में से है जो शादीशुदा हैं। और अगर ओनली वन ही लगा रहते तो इज ओनली वन ऑफ द ब्रदर्स
तो आगे हैज करना पड़ेगा कि सारे भाइयों में ये अकेला है, ये वाहद भाई साहब हैं जो शादीशुदा हैं। नेक्स्ट करें जी करेक्ट। Both the sisters are playing with each other. Both the sisters are playing with each other. तो दो बहनें, both का मतलब दो होता है, तो आपको हर सूरत दो के लिए तो each other यूज करते हैं, तो आगे each other देना था। नेक्स्ट आए जी। Neither of these two has done his duty. जी जी स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ दीज टू यस हैज डन देयर मीनिंग हिज आना है, इधर हिज करेंगे और इधर हैज, नीदर का मतलब दोनों में से एक ने भी नहीं किया, तो नीदर ऑफ दीज टू हैज डन हिज ड्यूटी। नेक्स्ट करें जी। द बॉय हु वर्क हार्ड ही विल विन। Yes, the boys who work hard, they नहीं आना इधर, ये दे गलत है असल में। The boys who work hard, देखो boys हैं बच्चे, लड़के हैं, गलती दे के में नहीं है कि दे की जगह ही आना है, गलती दे के आने पर है कि दे आने नहीं चाहिए। देखो the boys who work hard will win, मैं आपको दिखाता हूं असल जुमला है, who work hard निकाल दें एक मरतबा, इसको तो निकाल के परे रखें ना। Who work hard तो एक एक्स्ट्रा फ्रेज है, बॉयज को एक्सप्लेन कर रही है कौन से बॉयज जो मेहनत करते हैं। द बॉयज विल विन, द बॉयज विल विन, लड़के जीत जाएंगे, द बॉयज विल विन। आई मेट अ मैन इन लाहौर हु वॉज वेरी वाइज, ये करें जी। आई मेट अ मैन हु वॉज वेरी वाइज इन लाहौर, वेरी गुड। Who was very wise, उसके साथ लगाएं जो वाइज है, लाहौर नहीं वाइज, वाइज है मैन, तो मैन के साथ आएगा। सर इस क्वेश्चन में लिख सकते आई मेट अ वेरी वाइज मैन इन लाहौर। जी जी, आई मेट अ मैन हु वाज वेरी वाइज, आई मेट अ जी जी बोले, आई मेट अ वेरी वाइज मैन इन लाहौर, आई मेट अ वेरी वाइज मैन इन लाहौर। लेकिन देखो ये भी ठीक है, आपका गलत नहीं है, लेकिन आपने जुमले में एडिटिंग ज्यादा कर दी। जिस तरीके से हम करेक्शन कर रहे हैं उसमें हमने जुमले में कोई नया वर्ड ऐड ही नहीं किया ना डिलीट किया, हमने बस हु वाज वेरी वाइज उसके साथ लगाया जो वाइज है। हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन इज पुट विद द नाउन और प्रोनाउन इट रिलेट्स, जिसको रिलेट करता है उसके साथ लगाया, लाहौर को रिलेट नहीं कर रहा, हु मैन को रिलेट कर रहा है। ओके नेक्स्ट, नीदर ऑफ दीज थ्री तीन लोग हैं तो नीदर नहीं आना, नीदर तो दो के लिए होता है, और चूंकि नन आ चुका है तो हैव नहीं लगाना, हैज आना है, तो नीदर ऑफ नहीं, नन ऑफ दीज थ्री हैज पास्ड येट, नन ऑफ दीज थ्री, वेरी गुड मारिया खान, वेरी गुड कमर, has passed yet। ये गलती ढूंढें जी अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में। I, you, you and he। हाँ। I, he and you। हाँ जी, I, he and you। Very good। देखो enemies बन गए, negative काम हो गया जी, और चूंकि काम negative हो गया तो आपको आई ही एंड यू करना पड़ना है, खुद से खुद को पहले रखें, नेगेटिव हुआ है अपने गिरिबान में पहले झांकें, और यू सबसे एंड पर, जो आपके सामने बैठा है यू आपके सामने होता है, उंगली सबसे आखिर पर उठाएं किसी पर भी, और ही दरमियान में आ गया क्योंकि वहां मौजूद नहीं था, ये करें जी। विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जी जी, विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, yes, this is the movie whom I talking about, nahi, which I was talking about, very good। Movie एक non-living thing, और who और whom हम living things में भी humans और large size animals के साथ लगाएंगे,
हम इवन स्मॉल सेल एनिमल्स के साथ भी हु और हुम यूज नहीं कर सकते जी। पैरामोर होता है जी आप की जो है जोजाए मोहतरमा वाइफ के लिए यूज किया गया है। लिव्ड बाय हिमसेल्फ। वेरी गुड। अब हिमसेल्फ क्यों? क्योंकि वो अकेला रहेगा, अपने साथ ही रह गया, मतलब उसके साथ कोई और नहीं था, उसकी अपनी जात ही थी। लिव भी वो कर रहा था और रह भी किसी अपने साथ ही रहा था। वो रह रहा था और अपनी किसके साथ रह रहा था? अपने आप के साथ। मैन ने सब एक्शन किया और खुद पर ही किया। द मैन लिव्ड बाय हिमसेल्फ। शी लिव्ड बाय हरसेल्फ का मतलब वो अपनी साथ ही रही, मतलब किसी के साथ ना रही। शी लिव्ड बाय हरसेल्फ। आई विल लिव बाय माई सेल्फ। दे विल लिव बाय देमसेल्फ्स। ही विल लिव बाय हिमसेल्फ। द मैन लिव्ड बाय हिमसेल्फ। ठीक हो गया जी? Yes. तो अपनी जात के साथ ही। पैरामोर उसकी बीवी की वफात के बाद, मतलब कह रहा जाने के बाद, खैर वफात नहीं है तो जाना है। नेक्स्ट जी, इट इज रियली वेरी काइंड ऑफ यूर्स टू हेल्प मी। काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी सर, ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा क्यों सर? ऑफ प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगना है। यस इट इज राइट। इट इज रियली काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी के आप बड़े ही मेहरबान थे कि आपने मेरी मदद की। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा अगर मैं ऑफ के बाद आपको कहूं कि पोजेसिव प्रोनाउन भी आ सकता है तो आप यकीन कर लेंगे? स्टूडेंट्स यहां आपने ऑफ के बाद कहा जी यू आना है, चलो मैं आपकी बात मान ली और ऐसा ही है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमने पढ़ा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे माय फादर ब्रॉड गिफ्ट फॉर आई नी फॉर मी आना है। क्या मैं ऑफ के बाद कभी, ये ऑफ के बाद है सिर्फ, ऑफ के बाद कभी पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकता हूं? हम कहते ना ऑल ऑफ अस। क्या मैं ऑफ के बाद आर्स यूज कर सकता हूं किसी मौके पर? कोई मौका सोचें जरा। ऑल ऑफ अस कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस, अस वी आर अस, अस ऑब्जेक्टिव केस है, लगा दिया। मैं ऑफ के बाद कभी आर्स कह सकता हूं? सर आई थिंक कह सकते हैं अगर आगे कोई नाउन हो। मैं वजह बताता हूं, नाउन नहीं, अगर ऑफ जो है वो पोजेशन दे। ऑफ क्या दे? पोजेशन। पोजेशन मतलब मलकियत दे किसी की। ऑफ किसी की पोजेशन दे। माउस से लिख रहा हूं, चले मैं इसको यहीं कर देता हूं, डॉट लगा देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, कि अगर ऑफ पोजेशन दे, पोजेशन मलकियत दे, तो बच्चे ऑफ के बाद आप फिर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे, आप पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करना आपकी मजबूरी हो जाएगी। मजे की चीज है ये। जब भी, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पोजेसिव प्रोनाउन पीयूएस पोजेसिव और ये मैं प्रोनाउन लिखने जा रहा हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्रोनाउन पी आर ही लिख रहा हूं जी, ये माउस के साथ है जी लिखा गया ऐसे। फिर ही इज, ये मैं सेकेंड ईयर की बुक से एक एग्जाम्पल मेरे जहन में आ रही है, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल में से। ही वाज एन ओल्ड चम ऑफ माइन। ही वाज एन ओल्ड चम ऑफ माइन, मेरा पुराना दोस्त था। ओल्ड चम ऑफ माइन। ही वाज एन ओल्ड चम ऑफ माइन, मी नहीं माइन। हालांकि ऑफ के बाद तो मी आना चाहिए था। लो जी ऑफ के बाद आर्स लगाते हैं। दिस इज बुक ऑफ आर्स या ही इज फ्रेंड ऑफ आर्स, हमारा दोस्त है, हमारा मलकियत हो गई। तो फ्रेंड ऑफ अस नहीं, फ्रेंड ऑफ आर्स।
लेकिन ऑल ऑफ अस आर कमिंग, ऑल ऑफ अस आर कमिंग, तो गौर हम सब आ रहे, कोई मलकियत नहीं आई। एहसन ने बड़ी प्यारी बात उर्दू में लिख के भेजी है, एहसन सबके साथ शेयर कर रहा हूं कि सर आप कहें तो मान लेंगे। थैंक यू जी। तो मैंने उसको सबूत दिया पुत्र आपको, इसलिए मैंने बुक की एग्जांपल दी कि आप बुक में पढ़ सकते हैं, सेकंड ईयर की बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक से, जो लेसन नंबर 7 है सेकंड ईयर का। यस जवेरिया अहमद, द फॉल्ट इज टोटली ऑफ योर आर योर्स आर्स, बिल्कुल ठीक है, हमारा फॉल्ट। ले जी यहां आए, द पेंगुइन चिक्स कांट गो इन टू दॉटर, एक मिनट मेरी नीचे पिक आ रही है, मैं इसको गैप कर दूं, टू गेट देम सेल्व ऑन फूड। ये बड़ा आसान है, टू गेट देयर ऑन फूड, गेट देयर ऑन। देखिए हमारा जो फूड है वो नाउन है, तो उसके साथ हमें एडजेक्टिव चाहिए था, उनकी खुराक, अपनी खुराक, कोई एक्शन रिवर्स नहीं हुआ कि हम रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते फिर। तो गेट देयर ऑन फूड, वेरी गुड। नेक्स्ट आए जी, विच इज लाइटर देन एयर, जी विच इज लाइटर देन। देखो गैस कोई ह्यूमन बींग या लार्ज साइज एनिमल नहीं है कि आप उसके साथ हू लगाते फिर। जी Who has? नहीं नहीं, डेट का रोला नहीं, बॉडी। डेट मैंने कहा था लिविंग नॉन लिविंग सबके साथ आ सकता है, डेट का रोला नहीं। His body. Its body लगाए, it is नहीं, याद रखिएगा ये it is है। It apostrophe s आ जाए तो ये basically it is होता है। इट्स बॉडी में अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, उसकी बॉडी। मैं अपने टेबल मेरे सामने पड़ा है, मैं इसको कहूं जी इट्स लेग इज ब्रोकन, तो कोई अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, इट्स लेग, इसकी टांग, ये नहीं आएगी। हाँ इट इज अ बर्ड, तो इट अपोस्ट्रोफी एस लगा सकता है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज की, इट अपोस्ट्रोफी एस, इट्स पढ़ हम दोनों को इट्स ही जाते हैं, लेकिन लिखने से पता लग जाता है ये क्या चीज है, ये इट इज है, तो साइड ऑफ इट इज बॉडी नहीं, इट्स बॉडी, बगैर अपोस्ट्रोफी के आना था। जी देयर बॉडीज, देयर बॉडी, देयर बॉडी, हम स्लग्स की बात कर रहे हैं एंड स्नेल्स की बात कर रहे हैं तो ज्यादा हैं, तो देयर बॉडीज। जी योर, वेरी गुड नुरहुदा, जबरदस्त। देखिए बिकमिंग एक जेरंड है, और जेरंड के साथ आपको लाजमी तौर पर पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है। यू तो ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्टिव केस है, यू योर यू, तो हमें योर यूज करना है, योर बिकमिंग है सो अनॉयड, जैसे माय फादर हेट्स मी गोइंग टू सिनेमा, नहीं माय गोइंग टू सिनेमा, गोइंग आगे आगे। जी Whom shall I blame for this loss? Whom shall I blame? अच्छे, whom shall I blame? Subject, verb. तो whom shall I blame? मैं किसे blame करूंगा? Whom shall I blame for this loss? कि इस loss के लिए मैं किसे blame करूंगा? Whom? ठीक हो गया जी? देखो, I subject, blame, verb. तो सब्जेक्ट तो मौजूद है, अगर सब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर हु यूज नहीं करते, सब्जेक्ट मिसिंग हो तो हु यूज करते। जी हर में हर आना केला, हर फादर्स लैब, गौर करें फादर्स लैब नाउन है और उसके साथ नाउन के साथ एडजेक्टिव होता है, नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं होते, प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन नॉट विद नाउन,
तो हर सो प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा हमने जी, तो फोर सेंटेंसेस यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वन, द बेस्ट वन। सर अल्फा, अच्छा जी इट्स अल्फा, वेरी गुड। फार करें हुआ क्या, फार आ गया ना, फार, फार एक प्रेपोजिशन है, ये एंट्रेंस टेस्ट का 2005 का एमडी कैट का जुमला है, बहुत पुराना, आज से 15 साल पहले एमडी टेस्ट में आया था। तो फार यू एंड मी, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, फार आइदर यू एंड और मी, ये सब्जेक्टिव केस था, ये सब्जेक्टिव केस था, पीछे फार लगा हुआ है, और ये भी सब्जेक्टिव केस था, तो सब में गलती थी जी। अल्फा जी, वेरी गुड। देखें सारा रौला इस रेडी प्रोनाउन ने डाला, टैक्स लॉज है ना, इंसान थोड़ी है, ये लिविंग बींग्स थोड़ी कि हम वो लगाते फिर, टैक्स लॉज आ गया, चलो दैट सबके साथ आ सकता है, पर गिव्स तो नहीं ना आना, फिर ज्यादा होते हैं लॉज, प्लूरल है, और डेल्टा में हमने हुम लगाया, भी हुम भी लिविंग बींग्स के साथ ही आता है, हु और हुम दोनों, बस हु और हुम में फर्क है कि हु सब्जेक्ट मिसिंग की सूरत में, हु ऑब्जेक्ट मिसिंग की सूरत में। लो जी